मुंबई बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन को अक्सर आपने मीडिया पर भड़कते हुए देखा है। जब भी उन्हें स्पॉट किया जाता है तो ऐसे में पैप्स पर वो अपने तरीके से नाराजगी निकालती हैं, जिसकी वजह से जया बच्चन को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया जाता है। अपने गुस्सैल रवैये की वजह से जया बच्चन जो है हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर बनी रहती हैं। लेकिन हाल ही में नीतू कपूर ने जया बच्चन के इस गुस्सैल रवैये और पैप्स के साथ जो उनका बर्ताव होता है उस पर खुलकर बात की है और एक शॉकिंग रिएक्शन दिया है जो इस टाइम पर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 8 के काउच पर इस हफ्ते नीतू कपूर और जीनत अमान एक साथ पहुंची। दोनों इस शो पर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पर्सनल लाइफ तक कई मुद्दों पर बात करती नजर आईं। शो में जब पैप्स पर जया बच्चन के भड़कने वाले वीडियोस पर बात होने लगी तो उन्होंने इस दौरान मिली भगत पर शॉकिंग खुलासा किया। नीतू कपूर की माने तो जया का मीडिया के साथ ये बर्ताव बिल्कुल नकली होता है। नीतू कपूर का कहना है कि मुझे लगता है वो ये सब कुछ जानबूझकर करती हैं। अगर जया जी ऐसा वाकई करती तो एक बार हो गया, वो ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सभी इसको एंजॉय करते हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ मिली भगत है। करण जौहर ने भी नीतू का सपोर्ट किया और कहा कि सही कहा, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है बल्कि वो बहुत प्यारी है। पेपरा जी उनसे इतना डरते हैं कि वो एंटर करती हैं तो सभी बोलते हैं बस हो गया बस हो गया। आपको बता दें जया बच्चन करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में गुस्से वाली दादी माँ के रोल में नजर आई थी। कई लोगों ने इस रोल को पैप्स पर उनके गुस्से से जोड़ते हुए मीम्स भी बना डाले थे। लेकिन हाल ही में नीतू कपूर ने जो जया बच्चन को लेकर बातें की हैं उससे तो यही लगता है कि रियल लाइफ में जो जया बच्चन है वो इतनी गुस्से वाली नहीं है। दरअसल पैप्स के साथ जो उनका रवैया होता है वो जानबूझ कर ऐसा करती हैं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।